जय हिंद। तो मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2023 के थ्रू सीआईएसएफ एसआई में हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 226। तो इस वीडियो में हम मेनली अपनी जीएस की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि अब लास्ट के 27 दिन या 28 दिन के लगभग बच रहे हैं, तो हम इसमें अपना जीएस में मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि 2023 में जब अपना मैं सीपीओ का प्री देने वाला था तो भी मेरी जीएस थोड़ी वीक साइड में थी, मतलब एवरेज थी। तो उस समय मुझे जीएस पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, तो मैं हमेशा कहता रहता था भैया वगैरह से और जो मेरे साथ में लाइब्रेरी में रहते थे कि जीएस में मैं नहीं पढ़ूंगा, बाकी तीन सब्जेक्ट में मैं अपना 100% दूंगा, तो उसमें मैं 145 के लगभग वैसे ही ले आऊँगा और जीएस में 5-7 नंबर भी आ जाएंगे तो 150 के प्लस चला जाएगा स्कोर। तो वो सारे लोग भी मुझे समझाते रहते थे कि भाई जीएस को हल्के में नहीं ले सकते तुम, अगर जीएस नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन अच्छी रैंक अच्छी पोस्ट कभी भी नहीं मिल पाएगी। और ये बात सही भी निकली क्योंकि जीएस में मेरा स्कोर 2023 में 20 नंबर भी नहीं आया, 19.75 आया था जब मेरे 336 नंबर बने हैं। अगर इसमें 10 नंबर कम हो जाते तो मैं सीधे 326 में गिरता, तो बीएसएफ या आईटीबीपी में जाके मैं गिरता, क्योंकि एसएसबी की कट ऑफ 329 गई है। तो वही है कि जीएस को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। हाँ, आपकी अगर कमज़ोर है तो आप ये कर सकते हैं कि एवरेज जीएस कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि आप अपना लास्ट के 20 से 25 से 30 दिनों में जो भी है तो उसमें आप अपनी जीएस को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं कि जहाँ आप 5-7 क्वेश्चन ही सही कर पाते थे तो उधर आप 15 से 20 तक आसानी से पहुंच जाएंगे, और जिसके भी 10-12 सही हो रहे थे तो वो आसानी से 30 तक पहुंच सकता है। इतना स्कोर किया जा सकता है, इतना स्कोप रहता है पेपर में, सीपीओ के पेपर में, कि आप 30+ ले जा सकते हैं स्कोर। तो 23 में भी मैंने काफ़ी गलतियां कर दी थी, काफ़ी सिली मिस्टेक भी करी और काफ़ी मैंने तुक्के लगाए, तो इस वजह से मेरा स्कोर 20 पे जाके अटक गया। बाकी अगर मैं उस पर ही ध्यान देता अपना तो मेरे उसमें भी 25+ स्कोर जा सकता था, ऐसा कुछ था नहीं। तो यही है, तो इसमें हम अब मेनली अपने लास्ट के 30 दिन जो बच रहे हैं तो इसमें हार्ड कोर जीएस की बात करेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के और मैक्सिमम स्कोर कैसे ला जा सकते हैं जीएस में। तो अगर आप लोग नए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिंक डालता रहता हूँ। जैसे मैंने अभी इंग्लिश और रीजनिंग की वीडियो डाली है तो उनकी लिंक मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी। इंग्लिश के लिए जो भी मैंने बेस्ट सोर्स बताए थे उसकी लिंक भी मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दी है, और रीजनिंग के लिए भी जो मैंने बेस्ट सोर्स बताया था यूट्यूब पे उसकी भी लिंक मैंने डाल दिया है। तो अभी मैं जो भी जीएस के लिए बेस्ट सोर्स बताऊंगा उनकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो उधर से आप जाके देख सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं कि हमें जीएस करनी कैसी है। तो जीएस में मेन चीज़ दो ही रहती है, एक प्रॉपर जीएस जिसमें हमारे 4-5 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये 6 सब्जेक्ट आ गए, और एक रहता है हमारा इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। तो सीपीओ में करेंट अफेयर का भी काफ़ी अच्छा वेटेज है, 6 से 7 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर के मिल जाते हैं। तो करेंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट सोर्स है इस समय करेंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक। एक स्पीडी करके करेंट अफेयर की बुक आती है, ब्लू कलर की पूरी रहती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो उसको कैसे करना है कि उसमें हर महीने अपडेट होके आती है, हर महीने आती है, वो हर महीने का ही अपडेट वर्जन चलता है। तभी आपको लास्ट की ले लेनी है मई अपडेट तक की, जिसमें मई अपडेटेड हो या अप्रैल अपडेटेड हो, मई हाफ हो तो भी चल जाएगा। तो आपको उसमें क्या करना है, सारा कुछ ही नहीं पढ़ना, वो भी काफ़ी एलेबरेट तरीके से रहती है, ऐसा नहीं रहता कि कंसाइज भी, में काफ़ी बड़ी बुक रहती है वो भी, पढ़ने में तो हालत ख़त्म हो जाएगी अगर आप पूरी पढ़ने बैठोगे तो। उसमें हमारा इम्पोर्टेंट का ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, हमारे जो एसएससी में मेनली पूछता है वो क्या रहता है कि वो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट पूछ लेगा, इम्पोर्टेंट वॉर पूछ लेगा, जो भी इंडिया प्लस अदर कंट्रीज के साथ इंडिया करता है इम्पोर्टेंट वॉर, इम्पोर्टेंट डेट पूछ लेगा और उनकी थीम पूछ लेगा, इम्पॉर्टेंट जो भी खेल में जो भी इम्पोर्टेंट रहा है अभी तक वो पूछ लेगा, इंटरनेशनल में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं वो पूछ लेगा, और जो भी हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम अभी लॉन्च की है हाल ही में, तो वो पूछ लेता है। तो ये
छः सात टॉपिक ऐसे रहते हैं कि ये हॉट टॉपिक है जो इनसे क्वेश्चन आ सकता है और ज़्यादातर आ भी जाता है इन्हीं से क्वेश्चन। तो आपको स्पीड ही लेनी है, उसमें टॉपिक वाइज इंडेक्स दिया रहता है आपको, आपको वो इंडेक्स में देख लेना है कि आपको क्या कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो वही आपको टॉपिक निपटाने हैं लास्ट के 20-25 दिनों में। और लास्ट के 5 दिनों में जो भी रहेगा आपको फिर से वही टॉपिक रिवाइज करने हैं। आपको मल्टीपल रिविजन पर ध्यान देना है, अब आप नई चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी मत भागो। आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपको कम से कम डेली आधा से घंटा 45 मिनट के लगभग देना ही पड़ेगा पूरे घंटे दिन में। 30 से 45 मिनट आपको करंट अफेयर के लिए देने ही पड़ेंगे, इतना आपको देने भी चाहिए। और करंट अफेयर में आप ज़्यादा किस सोर्स के पीछे मत भागना कि आप एक एक घंटे के लेक्चर ले रहे हैं, उनसे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है आपको। आप इतना भी कर लोगे तो अगर आपकी करंट अफेयर आनी होगी तो उससे आ जाएगी, वरना आप चाहे जितना भी पढ़ते रहो कहीं से भी नहीं आने वाली। तो ये हमारा करेंट अफेयर के लिए हो गया। अब मेनली रहता है हमारा सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी, ये 6 सब्जेक्ट। तो इनमें ही आपको मेन कमांड बनानी है। ये बिगनर्स और जो भी अपना सिलेबस कर चुका उन सारे लोगों के लिए ही है। आपको क्या करना है कि मैं परमार सर के वन शॉट लेक्चर की लिंक डालूंगा अपने टेलीग्राम पे। अब आपको लास्ट के 25 दिनों में केवल ये ही देखने हैं। उन्होंने वन शॉट लेक्चर करा रखे हैं 2023 सीजीएल मेंस के लिए करवाए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ही रेलिवेंट है वो इस समय। क्योंकि क्या है कि उन्होंने अगर जियोग्राफी पढ़ा रखी है तो पूरी जियोग्राफी उन्होंने 4 से 5 घंटे में समराइज कर रखी है और सारे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट उन्होंने बता रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा उनकी वीडियो में कि उन्होंने बेफालतू का बता रखा है। अगर आप केवल उतना ही कर लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट हो जाएगा, और उसको अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपके लिए केवल इतना ही पढ़ना रामबाण होगा बिल्कुल। कि अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपको और कुछ भी पढ़ने की जीएस में ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ रखा उस वो तो आपको साथ में रिवाइज करना। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो केवल आप अगर वन शॉट लेक्चर भी देख लोगे उनके तो भी आपका कल्याण हो जाना है। तो उन्होंने हर एक सब्जेक्ट के वन शॉट लेक्चर बना रखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और एक कोई छूट रहा है वो देख लेना। बाकी उन्होंने वन शॉट लेक्चर इस तरह से पढ़ा रखे हैं कि अगर उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई है तो उन्होंने तीनों हिस्ट्री को बिल्कुल डिटेल्ड वे में पढ़ाया है, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो और चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो। उन्होंने तीनों हिस्ट्री को ऐसे पढ़ा रखा है कि आपके कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे बाहर नहीं रह सकता है। जो भी उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लिया है और बाकी उसके आसपास के जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनको लिया है। तो उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड वे में करा रखा है। तो जीएस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होगा कि आप लास्ट के दिनों में, लास्ट के जो भी 20 से 25 दिन बच रहे हैं उनमें आप सबसे ज़्यादा इन्हीं वन शॉट लेक्चर को प्रायोरिटी दें। अगर आपने कहीं से कोर्स कर भी रखा है तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले उसी चीज़ को रिवाइज करें, क्योंकि आप नया पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला इन 25 से 30 दिनों में। जो भी है आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न पर ध्यान देना होगा और मॉक टेस्ट पर। तो इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिविज़न। जो भी आपने अगर पहले से तैयारी कर रखी होगी तो आपको आपने जो भी नोट्स होंगे, जो भी आपने जहाँ से भी टीचर से पढ़ा होगा वो नोट्स को रिवाइज करिए। प्लस आप सेक्शनल मॉक दीजिए जीएस के, वो भी प्रीवियस ईयर दीजिए, आप नए मॉक नहीं दीजिए, प्रीवियस ईयर दीजिए। या फिर आपके पास कोई भी किताब हो, पेनाकल हो प्रीवियस ईयर या फिर किरण हो प्रीवियस ईयर, तो आप उनसे क्वेश्चन करिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय पर रिविज़न ही रहेगा। और जिन्होंने भी अभी तक जीएस नहीं कर रखी, मतलब या फिर उतनी डिटेल्ड वे में नहीं कर रखी है, तो उनके लिए रामबाण इलाज है वो वन शॉट लेक्चर। तो उन्होंने हर एक टॉपिक के वन शॉट लेक्चर बना रखे हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या जियोग्राफी हो या साइंस भी हो, तो उन्होंने हर एक टॉपिक के डिटेल्ड वे में वन शॉट लेक्चर बनाए हैं। उन्होंने मेनली टारगेट किया था सीजीएल मेंस के लिए। तो ये आप ये मत समझना कि ये सीजीएल मेंस के लिए है, क्योंकि एसएससी की जीएस सेम ही रहती है, उसमें आर्टिकल 51 है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से है तो वो सीपीओ में कुछ अलग तरीके से आर्टिकल होगा वो, और सीजीएल में अलग तरीके से।
वो सारी चीजें एक ही होगी, बस उन्होंने मेनली टारगेट सीजीएल मेंस को किया है, तो उससे नीचे के जो भी एग्जाम होंगे उन सारे टॉपिक सारे एग्जाम के लिए पेनिशिया साबित होगी, ये उनकी वन शॉट लेक्चर। तो मैंने भी जैसे कर रखा है उनका, मैंने पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट थ्री किया था, तो मैं तो उनको रिवाइज कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों ने अगर कहीं नहीं किया तो मैं टेलीग्राम में उनके वन शॉट लेक्चर के प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, तो उधर से आपको एक एक लेक्चर कैसे करना है। अब क्या करने, आपने मेडिवल हिस्ट्री उठाई, अगर आप शुरू करेंगे तो आप हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं तो आप एंशिएंट हिस्ट्री उठाओगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री मुश्किल से 3 घंटे का लेक्चर होगा, तो वो आपके लिए 2 दिन का कार्यक्रम है, आपको 2 दिन में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म कर देनी है। ऐसे ही आप मेडिवल हिस्ट्री उठाओगे तो मेडिवल हिस्ट्री 3 घंटे की मैक्सिमम वो भी होगी, तो फिर से आप 2 दिन में वो ख़त्म कर दोगे, और एंशिएंट हिस्ट्री तो 2 घंटे की होगी तो वो आप 1-1.5 दिन में भी ख़त्म कर दोगे। तो ऐसे आपका 6 दिन मैक्सिमम लगेगा, आपकी पूरी हिस्ट्री डिटेल्ड वे में रिवाइज हो जाएगी विद ऑल प्रीवियस ईयर। तो आपको क्या करना है, ऐसी एक एक टॉप सब्जेक्ट उठाने और उनको ख़त्म करना है, 6 दिन में आपका ख़त्म हो गया, 7वें दिन आप पूरा फिर से रिवाइज कर लो तो आपकी पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो गई। ऐसी पॉलिटी होगी तो पॉलिटी तो बहुत छोटी है तो आपको 4 घंटे में उनके लेक्चर होगा मैक्सिमम, तो वो पॉलिटी आपके 3 दिन में हो जाएगी, फिर अगले दिन उसको रिवाइज कर लिया, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा लास्ट के आखिरी दिनों में। और ये आखिरी के दिनों में मेनली आप अगर सोर्स के पीछे ही भागोगे कि आपने ये भी कर लिया, दूसरे चैनल को पकड़ा वो भी तो थोड़ा थोड़ा कर लिया, फिर आपने तीसरे चैनल को देखा तो उसका भी थोड़ा सा कर लिया, तो बिल्कुल भी आपका ऐसे में कुछ भी नहीं होने वाला है, आप केवल कोर्स इकट्ठा करते रह जाओगे और आपका कोर्स भी कम्प्लीट नहीं होगा, और लास्ट के जब 5-6 दिन बचेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा भी बिल्कुल भी कम्प्लीट नहीं है। तो ये अभी आइडियल टाइम बचा है बिल्कुल भी रिवीजन के लिए, तो आप इसको बिल्कुल भी इसको आप वेस्ट मत करो टाइम को, आप अभी से चालू हो जाओ और एक एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज उनका कंप्लीट करने में लग जाओ, और उनकी ज़्यादा बड़ी बड़ी मैराथन भी नहीं है, मुश्किल से अगर कोई मैक्सिमम मैराथन गई होगी तो वो 6 घंटे की गई होगी जो कि जियोग्राफी की है शायद, तो वो आपको 6 घंटे की है तो मैक्सिमम 5 दिन लगेंगे आपको रिवाइज करने में, पूरी वीडियो देखने में, और आप 2 दिनों में आराम से रिवाइज भी कर सकते हो, तो आपको ऐसा ही करना है। बाकी ज़्यादा सोर्सेस के पीछे मत भागिए मैं कहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए आप अपने, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दोगे आपको उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन का पता पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन की वैरायटी का आपको पता पड़ेगा। तो यही है जीएस के लिए, बाकी आप अपना पढ़ते रहिए, अब आखिरी के 30 दिन भी नहीं बच रहे हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दिन में दे सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़िए आप। बाकी आपके जो भी डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं, बाकी मेरी पर्सनल इंस्टा आईडी है उस पर आप मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं, उनमें भी मैं काफ़ी लोगों का रिप्लाई कर देता हूँ, और आप अपने उसमें भी डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप इसके कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिए। बाकी आप 1-2 दिन में मैं मैथ की भी डिटेल्ड वीडियो बता दूंगा कि लास्ट के 25-30 दिनों में मैथ में क्या करना है और कौन कौन से टॉपिक है इम्पॉर्टेंट। बाकी आप भी लोगों ने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो लिंक डालता रहता हूँ, और इम्पॉर्टेंट जो भी अपडेट है SSC से रिलेटेड वो भी अपडेट करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम पे। बाकी GS के लिए इतना ही, करते रहिए, आपको मोर देन सफिशियंट है ये। अब नेक्स्ट वीडियो में मैथ के लिए बनाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।